हेलो जी, क्या हाल है सभी के? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की हमारी डेस्टिनेशन है मणिकरण साहब। उसके बाद बाकी की आगे की डेस्टिनेशन आपको जहाँ जहाँ पर हम पहुँचते रहेंगे वहाँ वहाँ आपको बताते रहेंगे आगे की डेस्टिनेशन। सो सामान मैंने कर लिया है, पैक सामान कुछ रेडी हो चुका है। साइड बैग वो मैं डालूंगा अभी। और ये मेरे शूज़ है, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मेरे शूज़ है। मेरे को नहीं लगता कि किसी की कोई लेके जा रहा होगा इतने शूज़, क्योंकि थार में पहले कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही है हमें जगह। तो ये मैं पहन के जाने वाला हूँ, थोड़ी देर में रेडी होने वाला हूँ। रेडी होके मिलते हैं आपको। टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज चुके हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा सुबह के 6 बज चुके हैं। और तारीख है आज 4 मई 2023। तो रेडी होने के बाद हम लेने आए हैं गाड़ी। गाड़ी लेने के लिए मेरे को संदीप को लेके जाना पड़ रहा है। संदीप मेरे साथ काम करता है शो पे। हेलो संदीप। हेलो, बोलो सभी को यार। हेलो, चलो चलते हैं सीधा कार लेने। गाइस यार, ऐश ने लेट करवा दिया, बोला है कि अभी जस्ट उठा ही है वो, अभी तो नहाना भी है उसने, रेडी रेडी भी होना है सब। अभी मैं जा तो रहा हूँ वैसे गाड़ी लेके, इसीलिए घर क्योंकि थोड़ा दूर है यहाँ से। बाकी सब तो रेडी है, उनका फ़ोन आ चुका है। भाई राम कर रहे हो? चक्की है फिर चाबी? ओ ये तो यही है, मैं क्या पता नहीं फॉर्च्यूनर चक ली। ये रही अपनी थार, ये तो मैंने कल ही तो ला ली थी। चमक दमक रही है, एकदम ओके रिपोर्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। लेट्स द फायर थिंग अप। फ्रेंड, निकल लिए हम यहाँ से। पहले तो हम घर जाएंगे, वहाँ से अपना लगेज वगैरह उठाएंगे, उसके बाद सभी दोस्तों को उठाएंगे। वैसे तो वो सभी आ जाएंगे, मेरे घर पास में ही है। बस ऐश को लेने के लिए मेरे को संदीप को भेजना पड़ा, थोड़ा दूर रहता है वो, 1.5 किलोमीटर के अराउंड। तो सभी को उठा के चलते हैं, बूम बाम करते हैं गाइस। सबसे पहले अपना फोटो शूट अपन करेंगे नीरा नहर के पास, इसीलिए हम जल्दी जल्दी निकले हैं। आराम से जाएंगे और आराम से ड्राइव करेंगे, क्योंकि यार आर मैंने बहुत ज़्यादा चलाई नहीं है, तो धीरे धीरे यूज टू होना चाहिए ना हर गाड़ी के। बाकी ये चीज़ ही ऐसी है कि आराम से चलाई जाए, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट मिलेगी। एंड ये आ गए हम जीटी रोड पे। तो सबसे पहले अपन नीलो नहर की साइड से जाएंगे, वैसे चंडीगढ़ रोड से, समराला चौक से लेफ्ट जाते ही चंडीगढ़ रोड आ जाएगा। सीधा सीधा जाते जाएंगे, बहुत आगे जा करके नीलो नहर आती है लेफ्ट साइड, और वहाँ से अपनी लाइन्स चालू हो जाती है मेन। तो अभी पी पी हो रहा है, एक्चुअली वो बता रहा है कि आपने बेल्ट नहीं लगाया, तो बेल्ट लगा लो यार। लगाएंगे यार, लगाएंगे मेरा भाई, लगाएंगे ब्रो। चलो पहले तो मणिकरण साहब जाएंगे सीधा, ठीक है? उसके बाद कसोल स्टे करेंगे, उसके बाद मनाली। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको बताते रहेंगे, क्योंकि अभी प्रॉपर हमने प्लानिंग तो नहीं की है। हाँ वैसे मनाली घूमे तो हम कई बार हैं, लेकिन इस बार थोड़ा अलग होगा। इस बार मैंने सुना है स्नोफॉल हुई है काफ़ी वहाँ पे, तो इंजॉय करेंगे यार, आपको भी करवाएंगे। चलो लुक गाइस, देखो यार क्या ही सेक्सी लग रही है, ब्लैक कलर में तो और भी ज़्यादा सेक्सी लगती है। अभी मेरे को ये बेस और ये स्पीकर हटाने पड़ेंगे, इनको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद अपना लगेज आ जाएगा यहाँ पे। बाकी का सामान अपन पैरों में फंसा देंगे दोस्तों के यार। चलो गाइस, अपना साथ जाने वाला दोस्त दीप भी आ चुका है। और दीप क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। कैसा रहा सफर तुम्हारा पैदल, वहाँ से यहाँ? ओ वहाँ से यहाँ तक का सफर कैसा रहा तेरा? बहुत अच्छा रहा। हेलो बोलो सभी को यार। हाय हेलो ब्रो। हेलो हेलो, कैसे हो? और अभी बाकी के भाई लोग आने वाले हैं बस थोड़ी देर में। रोहित तो पास में ही रहता है, रोहित भी एक दो गली छोड़ के रहता है। बाकी ऐश की वेट हो रही है, उसे फोन किया था भाई, अभी नहा के बाहर आया, आधा घंटा उसने नहाने में लगा दिया। जा रहा संदीप का, कब से वेट कर रहा है उसकी शॉप में बैठ के बाहर। चलो आ जाएगा जल्दी, मिलवाते हैं जल्दी आपको। गाइस इधर 22 परोठे बना दिए है मेरी वाइफ ने भाई, 22 मैंने बोला था 10-12, और प्यार देख रहे हो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। चलो वैसे तो मैं पोहे खा के जाऊंगा, मुझे रेडी हो चुका है, और साथ में अचार भी है और भरता भी है, उसके बीच में ना उसके बीच में नहीं आने वाला हूँ।
तो वही सुबह 5-6 बजे उठ करके सामान कर दिया रेडी, पराठे कर लिए रेडी। मतलब सफर में अपने घर के बने परोठे और अचार और सब्जी खाने का मजा ही कुछ हो। शुक्र है भाई, 1 घंटा नहाने के बाद आधे घंटे बाद बोलता है बस आ गया। मिलिए ऐश अग्रवाल जी से। हेलो गाइस, ये है वो हमारे मोहल्ले से बाहर के बाहर वाले मोहल्ले की महान हस्ती, जिन्होंने कभी बीच तैर नहीं की कश्ती, जिनके साथ लगती है बस्ती। चलो, सभी लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैं ही रह गया था। जल्दी जल्दी पोहे खाते हैं और फिर निकलते हैं सीधा। बाय। तो भाई, जिसकी उम्मीद थी सबसे पहले पहुंचने की, वो उस बंदे को हम सबसे लेट उठा रहे हैं। तो चलो फाइनली, आई होप सारा कुछ फिट आ ही जाएगा। ओके भाई। ये देखो भाई, क्या हंस रहे हैं भाई। चलो, सुबह गुरुद्वारा साहिब के दर्शन हो गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अपना सारा सफर मंगलमय हो भाई। सारे भाई, ये क्या, ये क्या, इनको एन का बहुत है गया, मेरे को 5-6 एन का गया। पी तू पी, साथ में लेके जाएगा ग्लास। हाँ भाई चलो। ओ भाई साहब, ये देखो। तो भाई, टाइम हो चुका है 7:12 और निकल लिए हम। कोशिश करी बहुत हमने कि 6:30 निकला जाए, लेकिन चलो आधा पौना घंटा ऊपर नीचे चलता है। तो भाई, सीन अभी ऐसा है, थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं अपने प्लान में। अभी मणिकरण साहिब सीधा नहीं स्टे करेंगे, अभी हम मणिकरण साहिब से पहले कसोल आता है वहाँ पे स्टे करेंगे। उसके अगले दिन अपन लोग मणिकरण साहिब जाके वहाँ पे माथा वगैरह के, माथा वगैरह टेक के वहाँ पे दर्शन करके गुरुद्वारा साहिब के, तो वहाँ से सीधा मनाली की तरफ निकलेंगे। बाकी की अपडेट आपको साथ के साथ देते रहेंगे, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, यहाँ पे हो रहा है अपनी गाड़ी का पोल्यूशन, ऑलमोस्ट हो ही चुका है, थोड़ी देर में निकलते हैं। टाइम हो रहा है 7:48, धूप काफ़ी तेज है। सो हेलो जी, यहाँ पे हुआ था हमारा फोटो शूट, अपने ही फोन से कर लिया था हम सभी ने फोटो शूट। ऐश ने करा था, मेरा एक रील बनाया ऐश ने, मैं अभी इंस्टाग्राम पे डालूंगा, एक फोटो डाल दूंगा मैं इंस्टाग्राम पे, आप इंस्टाग्राम चेक कर लेना, Charles_Sharma_IG। प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना यार, इंस्टाग्राम पे अपडेट जल्दी आ जाते हैं। ब्लॉग तो 1-2 दिन के बाद आएगा जब भी एडिटिंग करेंगे, लेकिन इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी आपको सब कुछ मिल जाएगा देखने को। चलो, काफी हद तक नीलो नहर हमने पार कर ली है, जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हो आप, पीछे नीलो नहर है। तो बस थोड़ी दूर नीलो नहर खत्म हो जाएगी, उसके बाद अपन लोग पहाड़ी की साइड, मतलब जो भी रोड जाते हैं उस साइड निकल लेंगे। तो चलो, मिलते हैं थोड़ी देर।